हेलो दोस्तों, आज हमारे चिक्स का 7वां दिन है, 7th डे। और इन्होंने बच्चों ने दाना पानी अपना स्टार्ट अच्छे से खाना शुरू कर दिया है। इनकी ग्रोथ भी ठीक हो रही है, बच्चे बड़े भी होने लगे हैं पहले से। तो आज 7वां दिन है, आज हम इनकी करेंगे वैक्सीन रानीखेत डिजीज़ की। रानीखेत डिजीज़ की वैक्सीन हम इसलिए करते हैं, ये कोई भी वैक्सीन हो, मेरा उसको करने का पर्पज़ ये होता है कि हम इनकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं उस पर्टिकुलर डिजीज़ को लेकर। अगर हम इनकी वैक्सीन कर देंगे तो इन फ्यूचर अगर इनको वो बीमारी लगती है रानीखेत वायरस, तो ये अपने आप उससे लड़ सकते हैं। तो आज दिखाते हैं आपको इनकी वैक्सीन कैसे की जाती है। तो दोस्तों, वैक्सीन करने के लिए जो हमारे पास वैक्सीन है, ये हमारे पास रानीखेत की है। अभी रानीखेत की वैक्सीन कर रहे हैं हम। तो ये 200 बर्ड्स का डोज है, 200 चिक्स के लिए। ये हमारा है अपनी वैक्सीन हमारी, और जो इसके साथ में है, इसके साथ आता है इसको मिलाने के लिए, पाउडर फॉर्म में होती है ये वाली वैक्सीन, और जो इसके साथ आता है वो है डाइल्यूएंट, जो ये वाली बॉटल है हमारे पास पिंक कलर का, जिसके अंदर वाटर है, ये डाइल्यूएंट है। इसके अंदर हम मिक्स करके तब हम वैक्सीन हमारी प्रिपेयर होगी, और हमको इसको रखना बर्फ़ के अंदर ही है। हमको इसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने नहीं देना, गर्मी के अंदर नहीं रखना, हमको बर्फ़ के अंदर ही लेकर आनी है और बर्फ़ के अंदर ही रखनी है ये वैक्सीन। दोस्तों, अब एक सिरिंज की हेल्प से हम ये जो डाइल्यूएंट है हमारा, इसको हम एक सिरिंज के अंदर निकाल लेंगे, और फिर हम सिरिंज के अंदर जब इसको निकालने के बाद जो हमारी बॉटल है वैक्सीन वाली, रानीखेत की जो वैक्सीन है हमारी, हम उसके अंदर धीरे धीरे इसको डालेंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे, जिससे कोई बबल वगैरह ना रहे और वैक्सीन अच्छे से मिक्स हो जाए। दोस्तों, इस डाइल्यूएंट को हम अच्छे से वैक्सीन के अंदर मिक्स करने के बाद वापस एक सिरिंज की हेल्प से इस जो भी हमने वैक्सीन अभी प्रिपेयर की है, इसको हम निकाल कर और जो हमारी बॉटल थी डाइल्यूएंट वाली, उसके अंदर हम मिक्स कर लेंगे इस, और इसको करने के साथ ही हमारा डोज जो है हमारी वैक्सीन कम्प्लीट हो जाएगी। और हमको वापस से इसको आइस के अंदर रख देना है, बर्फ़ के अंदर, जो इसका टेम्परेचर नॉर्मल रहे, ज़्यादा बड़े नहीं। वैक्सीन को दोस्तों बर्फ़ के अंदर रखने का रीज़न सिर्फ ये है कि वैक्सीन के अंदर हमारा जो लाइव वायरस होते हैं वो मरे नहीं, वैक्सीन हम करें तो सक्सेसफुल रहे। दोस्तों, वैक्सीन को करने का तरीका भी बहुत सिंपल है। चिक्स की आँख के अंदर एक ड्रॉप डालना है और एक ड्रॉप डालना है उसकी नाक के अंदर, और ऐसे ही करते हुए हमको सभी अपने जितने भी हमारे पास चिक्स हैं सबकी वैक्सीन कर देनी है, एक बूंद आँख में डाल के और एक बूंद नाक में। हमारी वैक्सीन कंप्लीट हो जाएगी इसी के साथ।